उत्तर प्रदेश में फिर चलेगी दो लड़कों की जोड़ी। चुनाव में गड़बड़ा जाएगा एसपी कांग्रेस का गठबंधन। क्या एक सीट पर फंस जाएगा साइकिल और हाथ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया और मोदी मैजिक यहां नहीं चल पाया। अब देखना ये होगा कि दो लड़कों की जोड़ी सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित थी या फिर उपचुनाव में भी जादू चलेगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी इन दोनों की जोड़ी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। लगा था गठबंधन चुनाव होने से पहले टूट जाएगा। सीटों को लेकर कांग्रेस और सपा की खींचातानी बार बार देखने को मिल रही थी। अब उपचुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने की आशंका जताई जा रही है। इस बार विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी के साथ साथ यूपी के दो लड़कों की जोड़ी के भी साख पर सवाल है। आखिर जमीन पर किसका काम और नाम बोल रहा है, ये इस उपचुनाव में पता चलेगा। ऐसे में सपा और कांग्रेस की सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसती दिख रही है। उसमें भी एक सीट जो सबसे हॉट सीट बताई जा रही है करहत। इस सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में विधायक की सीट खाली हो गई। वहां लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो सपा के सबसे ज्यादा सांसद जीते थे, ऐसे में उनके पास ज्यादा सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी ताकि वो सीटें जीतकर सपा के कम से कम बराबर आ सके। लेकिन करहल सीट की अगर बात की जाए तो यहां सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं। इस समुदाय की संख्या की बात की जाए तो करीब 1,25,000 है। मैं यहां यादव प्रत्याशी ही सपा और बीजेपी दोनों उतारे। लेकिन अगर इस सीट से कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की मांग कर दी तो गठबंधन पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सीट को अखिलेश यादव किसी दूसरी पार्टी को नहीं देंगे। आपको बता दें कि अखिलेश ने उपचुनाव की सभी 10 की 10 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।